हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की रेसिपी में बहुत ही टेस्टी यमी केक बनाने जा रहे हैं, वो है एगलेस लेमन केक। चलिए गाइस, इसको देखते हैं कैसे बनाया और क्या क्या हमने इसे यूज़ किया बनाने के लिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, एगलेस लेमन केक बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाफ कप मिल्क। हाफ कप मिल्क हमने ले रखा है, गुनगुना दूध है लुकवार्म, तो इसको मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। इसमें यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 1/4 कप ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट वाइज बटर और घी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1/4 कप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप आटा यूज़ किया है। यहाँ पे आप अपने टेस्ट वाइज मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने हेल्दी केक बनाना है इसलिए आटा यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैंने 1/3 कप पाउडर शुगर यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट वाइज 1/2 कप भी ले सकते हैं शुगर, अगर केक को ज़्यादा मीठा रखना है। एंड यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यूज़ कर लिया। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। गाइस, ये अभी बैटर ठीक हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेते हैं। इसे बीटर से भी कर सकते हैं, बीटर से कर लेते हैं इसे। मिल्क और ऐड करेंगे। गाइस, यहाँ पे हमने आटा यूज किया था व्हीट फ्लोर, इसलिए थोड़ा मिल्क इसमें ज्यादा लग गया। अगर मैदे से बनाएंगे तो 1 कप मैदे में 1/2 कप मिल्क लगेगा, बट आटे की वजह से इसमें हमने 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा मिल्क ऐड किया है। तो अब इसमें हमने लेमन का जो जेस्ट है उसको निकाल लेना है, येलो पार्ट जो है इसका, इसको इसमें निकाल लेते हैं। लेमन का जो ऊपर का येलो है पार्ट, उसको ही हमने ग्रेट करना है ग्रेटर से। हमने लेमन का जो जूस है इसको निकाल लेना है, इसी लेमन को हम इसको यूज कर लेंगे जूस निकालने में। तो पूरा 1 लेमन का जूस हम इस पे ऐड कर देंगे। क्योंकि ये लेमन केक है तो इसमें लेमन का फ्लेवर आना चाहिए। बस अब इसको हमने मोल्ड में डाल देना है थोड़ा सा। ये हमारे पास केक टिन है मोल्ड केक बनाने का, तो बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ब्रश से इसको स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई आटा जो है इसको डस्ट करेंगे। इसका बैटर जो है इसमें पोर कर देते हैं।
थोड़ा टैप करेंगे। अब इसे रखते हैं ओवन में बेक होने के लिए 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो गाइस जब तक केक बेक हो रहा है तब तक लेमन ग्लेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे, अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो नॉर्मली जो शुगर होता है उसका पाउडर बना के, तो यहाँ पे हम पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर, हमने 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर ले लिया और 2 टेबल स्पून लेमन जूस, इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें पानी मिला देंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। सिंपल मेथड से लेमन ग्लेस रेडी हो गया। एक साइड केक देख लेते हैं हमारा बेक हो गया कि नहीं। तो गाइस 20 मिनट हो गए हैं और केक इज रेडी। तो इसे रखते हैं अभी कूलिंग रैक पे और इसे ठंडा होने देंगे, कंप्लीटली कूल होने देंगे इसको पूरा। इसे कवर करके रख देते हैं, 10 मिनट के बाद डिमोल्ड कर लेंगे। गाइस केक को बाहर निकाल लेते हैं केक टिन से। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा बन गया है केक, रेडी हो गया है। इस पे जो हमने लेमन ग्लेज रेडी किया हुआ है इसको लगा देते हैं। ये देखिए एक ग्लास सुपर सॉफ्ट लेमन केक रेडी है, बहुत ही आसानी से बन गया। गाइस इस केक को कट करके भी देख लेते हैं किस तरह का ये रेडी हुआ है एगलेस हमारा केक। तो ये देखिए सुपर सॉफ्ट केक बन के रेडी हो गया है, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है। तो गाइज आई होप कि लेमन केक की रेसिपी पसंद आई होगी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, टेक केयर।